हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है फ्रांस वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। और आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं मुझको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है। VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको चूज़ करना होगा, यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कीजिए और दूसरी तरफ आपको सेलेक्ट करना है फ्रांस। उसके बाद टेक मी टू दी वेबसाइट पर आप जाइए। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन बुक एन अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड ऑप्शन है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल दी फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे आपको फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो आप तब तक अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो मैं सेलेक्ट करूँगा आई एक्सेप्ट बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ इन इंडिया। तो मैं ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप कर लीजिए। मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ तो मैं यहाँ पर अकाउंट में साइन इन कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगा, अब मैं सक्सेसफुली साइन इन हो चुका हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट न्यू बुकिंग पर जाऊँगा। इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है सेंटर जहाँ से मैं अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको चूज़ योर सब कैटेगरी, मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा का सेलेक्ट करना है तो टूरिस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको स्लॉट्स दिखा देता है कौन से अवेलेबल स्लॉट्स हैं। तो अभी 9 जून का स्लॉट अवेलेबल है यहाँ पर फ्रांस के लिए, तो आप देख सकते हैं कितना रश चल रहा है फ्रांस का। इसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो एक बारकोड नंबर जनरेट होता है फ्रांस का वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बिना ये आगे प्रोसीड नहीं होगी फर्दर। तो मैंने इसको ऑलरेडी एक टेस्ट के लिए बना रखा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नेशनैलिटी, अपना पासपोर्ट नंबर, आपका कौन सा पासपोर्ट नंबर है यहाँ पर फिल कीजिए, एक्सपायरी डेट आपने पासपोर्ट की मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप मैंशन कीजिए। यहाँ पर कोड में यहाँ पर आप 91 लिखिए, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। मेल आईडी जो आपकी एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद एड्रेस लाइन वन में अपना एड्रेस मेंशन कीजिए, अगर एड्रेस लंबा है तो एड्रेस लाइन टू में का यूज़ कीजिए। उसके बाद स्टेट, सिटी, जो भी आपकी सिटी शहर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद सेव, इस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप जब एक बार सेव कर लेंगे तो सेव करने के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है। अगर इनकेस आपके साथ फैमिली या फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐड अनदर एप्लीकेंट में जाकर उनको भी साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको स्लॉट्स दिखा देता है। तो अभी देख सकते हैं 9 जून से लेके 30 जून तक दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको देखना है कि आपको कौन सा टाइम कंफर्टेबल है, सूटेबल है। तो मॉर्निंग स्लॉट कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो सारे आफ्टरनून है और भी स्लॉट आप लोड कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपसे ये सर्विसेज पूछा जाता है कि आप ये एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं। तो ये एडिशनल सर्विस आपकी आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट जो सर्विस है प्रीमियम लाउंज है, जिसके लिए 3183 ये चार्ज करते हैं। और दूसरा है कॉरियर एश्योरेंस, जिसमें 770 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर भी ये फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो मैं अभी ये मैं इन सर्विसेज के बिना कंटिन्यू करता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये डिटेल्स रिव्यू के लिए दिखा रहा है कि मुझे ये सारी डिटेल्स रिव्यू करनी है। उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट कीजिए और इसको आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो आपको कांटेक्ट करेंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए, तो आप इसको रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पे एट दी VFS सेंटर जैसे मैं क्लिक कर दूँगा उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको क्लिक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। अब ये बुकिंग डिटेल्स यहाँ पर आ गई है, मैंने रफली डिटेल्स सारी फिल की है अपनी। तो ये देख सकते हैं ये मेरा अपॉइंटमेंट 9 जून का अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है।
आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा VFS सेक्शन में जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।